एक फरवरी को पेश होने वाला है आम बजट। बजट को लेकर लगातार बढ़ रही लोगों की उम्मीदें। क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी सरकार? देश का केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में इनकम टैक्स से लेकर रेलवे, टूरिज्म और आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले आगामी बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती हैं। जैसे जैसे आम बजट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। नौकरी पेशा से लेकर किसानों तक, आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन तक को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण सरकार इस बार जरूर कुछ बड़ा ऐलान करेगी। इस बीच लोग यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि अंतिम पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिल सकती है। रिबेट के तौर पे जो 5 लाख है उसे जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो 7.5 तक होना चाहिए लाख तक का, जो और ज़्यादा उसमें छूट मिल सके आम पब्लिक को जिसकी इनकम मतलब अभी बहुत कम है। सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, हर चीज़ पे तो फ्री कर रहे हैं मगर घर के किचन के लिए क्या कर रहे हैं? अगर वही चीज़ पेट्रोल डीजल पे फ्री करें तो हर चीज़ महंगाई सस्ती होगी, मगर पेट्रोल डीजल तो इसका इनकम हो नहीं रहा है, हर चीज़ पे रेट बढ़ रहा है, तो आगे भी तो रेट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी कमी तो यहाँ सरकार की है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम करें। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि बजट कैसे तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए सरकार का कुछ खास पॉइंट्स पर फोकस रहता है, जैसे अगले साल के केंद्रीय बजट का शुरुआती बिंदु चालू वर्ष के नॉमिनल जीडीपी का पता लगाना है। नॉमिनल जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य है। राजकोषीय घाटा या फिर सरकार कितना पैसा उधार ले सकती है, इसे ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। FRBM अधिनियम ये निर्धारित करता है कि कुल उधारी सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार को अपना सारा ध्यान अपने राजस्व की ओर लगाना होता है। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और MSME सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है।